हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम के साथ नवीद कुमार आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में देखेंगे कि एक नंबर हेक्साडेसिमल में है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साड से ऑक्टल में जाने के लिए पहले हम हेक्साडेसिमल वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद ऑक्टल को में कन्वर्ट करेंगे। तो एक नंबर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 29B, इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें, ये सबसे पहले हम 29B को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, फिर डेसिमल वाले को आगे हम सॉल्व करके 8 में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो सबसे पहले हम 29B को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 है बेस इसकी, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 2 डिजिट है तो 2 पावर लगा देंगे, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर, एक डिजिट है तो 1 लगा देंगे, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व आउट करेंगे, 216 का जो स्क्वायर है वो लिखेंगे, 16 का जो स्क्वायर है वो 256 होते हैं, प्लस करेंगे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, प्लस बी जो है हमारे पास क्या होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। इंशाल्लाह हम अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 कैसे होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 को 2 से, 512 प्लस 144 और इनको ज़रब देंगे तो वो 11 आ जाएंगे। इन सबको सम करेंगे इनका तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास नंबर सिस्टम है डेसिमल में। अभी हम इसको मज़ीद आगे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए स्टूडेंट्स एलसीएम मेथड को चूज़ किया जाता है। तो डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल की बेस से हम इसको ज़रब देंगे, तो 8 का टेबल लेके जाएंगे 64 पे, 8 टाइम 64 तक जाएगा, 64 और 266, 2 और 7 27 बन गया, 8 3 जा 24 और 3 जो है वो इसका आगे रिमेनिंग बच जाएगा, 8 1 8, 800 और 3 आगे आ जाएगा, 8 1 8 और 2 आगे आ जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे पास 1, ये जो है 667, बेस इसकी 10 थी, ये बनेगा हमारे पास, ये नीचे से ऊपर जाएंगे 1 2 3 3, ये हमारे पास है नंबर सिस्टम ऑक्टल में। तो जो फाइनल जो हमारे पास ये था 29B, ये हमारे पास बनता है 1 2 3 8। 29B का ये जो है वो डेसिमल ये है, और डेसिमल का के ये आंसर हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सलूशन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नई आने वाली वीडियो से आप वाकिफ़ हो सकेंगे। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।